नमस्कार दोस्तों, इसके पिछले वाले वीडियो में हमने द क्राउन रूल 1858 को समझा था। इस वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो ये जो 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है भारतीयों के लिए। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क। ठीक है, क्यों इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क है? क्योंकि इस एक्ट के तहत भारतीयों के लिए कुछ फेवरेबल स्टेप्स लिए गए। ठीक है, सो दैट्स व्हाई दिस काउंसिल एक्ट 1861 इज़ एन इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क इन द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द फीचर्स ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इसके क्या फीचर्स थे, आइए समझते हैं। सबसे पहले तो मेड बिगनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन By associating Indians with the law making process। जैसा कि मैंने बताया कि इसके पहले जितने भी एक्ट आए, जितने भी अमेंडमेंट एक्ट्स आए, उनमें भारतीयों को लॉ मेकिंग प्रोसेस में शामिल नहीं किया जाता था। उनके किसी भी नुमाइंदे को, किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को लॉ मेकिंग प्रोसेस में शामिल नहीं किया जाता था, लेकिन इस एक्ट के तहत दे वेयर एसोसिएटेड इन मेकिंग लॉ। ओके, सो इट दस प्रोवाइडेड दैट वायसराय शुड नॉमिनेट सम इंडियंस एज नॉन ऑफिशियल मेंबर ऑफ हिज एक्सपेंडेड काउंसिल। इससे पहले समझने वाली ये बात है कि जो गवर्नर जनरल, जो कि आपने पढ़ा था, जो कि 1858 से पहले हुआ करता था, 1858 के बाद जब 1858 एक्ट आया तो उसमें गवर्नर जनरल को बदल करके वायसराय का रूप दे दिया गया था। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो वायसराय की जो काउंसिल थी उनको एक्सपेंड किया गया था, मतलब उसमें जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उनमें जो मेंबर्स थे, उनकी संख्या बढ़ा दी गई थी। ठीक है, और उसमें कुछ इंडियंस को एज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के रूप में सेलेक्ट किया गया था, जो कि लॉ मेकिंग प्रोसेस में भाग लेते थे। अब इनिशिएटेड प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन बाय रिस्टोरिंग द लेजिस्लेटिव पावर टू द बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज। मतलब ये हुआ कि आपने पढ़ा था कि 1773 से जितने भी एक्ट हैं उनमें हम ये देखते हैं कि पावर को सेंट्रलाइज किया जा रहा था धीरे धीरे। मतलब ये कि जब बंगाल का जो गवर्नर था उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया, मतलब जो सोलो राइट था गवर्नर जनरल के पास हो गया। फिर बंगाल के गवर्नर जनरल को फिर भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 1858 तक ये जो पावर्स है वो सेंट्रलाइज्ड हो रहे थे, लेकिन 1858 के बाद ये जो पावर है इनका डिसेंट्रलाइजेशन शुरू हो गया, मतलब ये रिवर्स ऑर्डर में चलना शुरू कर दिए। इफ दस रिवर्स द सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, उनका जो सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी थी वो क्या हो गया, स्टार्ट हो गया, मतलब रिवर्सल उसका स्टार्ट हो गया, जो कि 1773 से 1858 तक वो बरकरार रहा था। इस्टेब्लिश्ड थ्री न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल। जैसा कि आपने पढ़ा अभी कि डिसेंट्रलाइजेशन की ओर जो है कदम उठाया गया था, इसीलिए बंगाल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर और पंजाब, इनके लिए अलग अलग लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना की गई। ठीक है, तो ये जो स्टेप था इट वाज द स्टेप ऑफ डिसेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज इट एम्पावर्ड वायसराय टू मेक रूल्स एंड ऑर्डर्स फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस इन द काउंसिल। मतलब वायसराय को थोड़ी और शक्ति दी गई। वायसराय को क्या शक्ति दी गई कि वे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सकते थे, उनके पास सोलो राइट थी। और इसके अतिरिक्त इट एम्पावर्ड द वायसराय टू इशू ऑर्डिनेंस। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस एक्ट की, कि इसमें वायसराय को ऑर्डिनेंस इशू करने के लिए शक्ति दी गई। ठीक है, वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकता था। ऑर्डिनेंस क्या होता है, ये एक टेम्पोररी रूल होता है, एक टेम्पोररी क्या होता है, कानून होता है। ये ऑर्डिनेंस तब लागू किया जाता है जब लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है सेशन में नहीं हो, या क्लोज्ड हो, या अन्य कारण से वो बंद हो। तो उस समय लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए फॉर टेम्पोररी बेसिस पे ऑर्डिनेंस को इशू किया जाता है।
तो ये ऑर्डिनेंस वायसराय इशू कर सकता था विदाउट द कंकरेंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल को की सहमति लिए बिना, है ना। जब कोई भी नियम लागू होता है तो जनरली क्या होता है कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जो भी संसद हैं, उनसे क्या होता है अप्रूवल लेना होता है, तभी वो जो है वो क्या बनता है, लॉ बनता है। लेकिन ऑर्डिनेंस में ये स्थिति नहीं होती है। ऑर्डिनेंस क्या होता है कि उसमें जो वायसराय था वो ऑर्डिनेंस को इशू कर सकता था बिना किसी कंकरेंस के, बिना किसी सहमति के किसी लेजिस्लेटिव काउंसिल के, ड्यूरिंग द इमरजेंसी। ये कब किया जाएगा, इमरजेंसी में, मतलब कि लेजिस्लेटिव काउंसिल सेशन में नहीं है और उस रूल को इम्प्लीमेंट करना बहुत ही आवश्यक है, तो वैसी स्थिति में द वायसराय कैन इशू ऑर्डिनेंस, ओके, विदाउट द कंकरेंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब बात करते हैं इस ऑर्डिनेंस का जो क्या बोलते हैं टाइम लिमिट, कह सकते हैं आप कि टाइम लिमिट कितनी थी, तो 6 मंथ, मतलब 6 मंथ के बाद ये ऑर्डिनेंस ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाती थी, ठीक है। अगर 6 मंथ के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल ने अगर इस ऑर्डिनेंस को अप्रूवल नहीं दिया तो ऑटोमेटिक 6 मंथ के बाद वो ऑर्डिनेंस कैंसिल हो जाएगी, लेकिन अगर अप्रूवल दे दिया तो फिर वो ऑर्डिनेंस परमानेंटली क्या बन जाएगा, लॉ बन जाएगा। तो ये था 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।